नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके आए, चिलर। चिलर कैसे काम करता है और चिलर के कंपोनेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और चिलर कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। यहाँ पे चिलर वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। दो चिलर प्लांट में जो वर्किंग फ्लूड यूज होता है वो केमिकल कंपाउंड होता है, उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। वो रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट जो अलग अलग रहते हैं उसका एप्लीकेशन वो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। अगर आपका टेम्परेचर चेंजेस रहता है तो उसके हिसाब से आप रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे। और रेफ्रिजरेंट उस टाइप का यूज़ करना है जो उसका कॉस्टिंग और लीकेज और हार्मफुल कम रहता है, उस टाइप का रेफ्रिजरेंट चिलर मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चिलर क्यों यूज़ किया जाता है? चिलर कोई भी बिल्डिंग है, इंडस्ट्री है, होटल है, मॉल है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल एसी लगा रहता है वो चिलर की मदद से ऑपरेट होता है और जो रूम टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो चिलर का मेन फंक्शन आपका जो एरिया है, आपका जो रूम टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। तो वो वन टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल पे काम करता है। तो जो यहाँ पे बताया है कि कूल फ्लूइड रिमूव्स हीट फ्रॉम द प्रोसेस एंड द वार्म फ्लूइड रिटर्न्स टू द चिलर। द प्रोसेस वाटर इज द मीन्स बाय विच हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम द प्रोसेस टू द चिलर। यानी कि जो आपका रूम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो एयर सर्कुलेट होता है वो एयर को टेम्परेचर कम और ज़्यादा जो चिल्ड वाटर यू करता है वो चिल्ड वाटर को चिलर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। और जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कंप्रेशन साइकिल पे है। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसका फेज चेंज होता है, लिक्विड टू गैस और वापस गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब जो चिलर के टाइप, तो बेसिकली चिलर का टाइप्स डिपेंड होता है उसके कंडेंसर पे। तो यहाँ पे जो कंडेंसर यूज होता है वो दो टाइप का रहता है, एयर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो ज़्यादातर वाटर कूल्ड कंडेंसर चिलर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, जिसमें वाटर फ्रॉम ए कूलिंग टावर कूल एंड कंडेंस द रेफ्रिजरेंट। अब जो वाटर कूल्ड चिलर है उसके जो कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सेमी क्लोज ट्विन कंप्रेसर, दो कंप्रेसर यूज होता है, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, फ्लोडेड इवोपरेटर होता है और ऑयल सेपरेटर, जो ऑयल सर्किट होता है उसमें ये यूज होता है, थ्रोटल मैकेनिज्म रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, ये जो है ये इसके कंपोनेंट है। तो चिलर यूनिट में क्या क्या कंपोनेंट है? मुख्य चार है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, इवोपरेटर है और एक्सपांशन डिवाइस है और इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम है जो इसको ऑपरेट करता है। तो ये आप कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कंपोनेंट है उसका कार्य क्या है तो उसके बारे में हम जानेंगे। जब भी आपका चिलर प्लांट रनिंग कंडीशन में होता है तो इवोपरेटर में क्या होता है? तो ये ऑपरेटर मेंटेन करता है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो उससे क्या होता है, जो इवोपरेटेड रेफ्रिजरेंट टेक्स अवे द हीट ऑफ द कूलिंग वाटर। नेक्स्ट जो कंडेंसर, तो चिलर यूनिट रनिंग कंडीशन में होता है तो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसका हाई टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन होता है, सो द कूलिंग वाटर फ्लोइंग थ्रू द कंडेंसर विल टेक अवे हीट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। अब जो ये कंडेंसर है उसमें कूलिंग वाटर यूज होता है,
वो कूलिंग वाटर क्लोज साइकिल रहता है, वो कंडेंसर में इनलेट होता है और आउटलेट हो के एक जो बिल्डिंग के टॉप में कूलिंग टावर रहता है उसमें ठंडा होने के लिए कूलिंग वाटर जाता है और कंडेंसर का हीट एक्सट्रैक्ट करता है और वहाँ पे रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। थर्ड कंपोनेंट कंप्रेसर, उसका काम क्या है? तो ये सिंपली जो ई ऑपरेटेड रेफ्रिजरेंट है उसको जो क्लोज साइकिल है उसमें ट्रांसफर करता है फ्रॉम ई ऑपरेटर टू कंडेंसर एंड मेंटेन द डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। यानी कि ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बिल्डअप करता है और मेंटेन करता है और रेफ्रिजरेंट को साइकिल में सर्कुलेट करता है। तो ये चिलर यूनिट के कंपोनेंट थे। फोर्थ, ऑयल सेपरेटर। तो इसके नाम से ही पता चलेगा जो ये ऑयल सेपरेट करता है फ्रॉम रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल एंड सेंड इट बैक टू द कंप्रेसर सो दैट कंप्रेसर रन सेफली एंड रिलायबली। अब जो ये कंप्रेसर है उसमें रोटर और उसके बेरिंग के कूलिंग के लिए लुब्रिकेंट के लिए ऑयल यूज होता है। ये ऑयल रेफ्रिजरेशन के साथ मिक्स हो जाता है रेफ्रिजरेंट के साथ, तो उससे कंप्रेसर को भी नुकसान होता है और एफिशिएंसी भी कम हो जाता है। तो उसके ऑयल मिक्स होने के बाद ऑयल सेपरेटर उसको ऑयल सेपरेट करता है फ्रॉम रेफ्रिजरेंट। तो ये ऑयल सेपरेटर का फंक्शन हो गया। अब फिफ्थ, जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम है। तो ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम एक माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोलर सिस्टम है। इससे आपके चिलर का ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है और उससे जो कंप्रेसर का आरपीएम और ऑल जो मॉनिटरिंग पैरामीटर है उसको डिस्प्ले में शो करता है। तो ये पूरा कंट्रोल इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सिस्टम है। ये एक उसका जो मॉडल डायग्राम है, यहाँ पे ये जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक कंट्रोल केबिन है और जो ये दो नंबर दिखा रहा है ये कंप्रेसर यूनिट है और ये जो तीन नंबर दिखा रहा है वो इवोपरेटर है। तो ये आप देख रहे हो इवोपरेटर में दो इनलेट और आउटलेट लाइन है, तो वो चिल्ड वाटर का है। एंटर होता है चिल्ड वाटर और आउटलेट होता है इवोपरेटर से, जो इवोपरेटर में चिल्ड वाटर जाता है। और जो ये फोर्थ जो आपका कंडेंसर जो है उसमें कूलिंग वाटर जाता है जो कूलिंग टावर से सप्लाई होता है और रिटर्न कूलिंग टावर में जाता है। तो ये जो पूरा चिलर यूनिट का स्ट्रक्चर डायग्राम है वो जो ग्राउंड फ्लोर में इंस्टॉल होता है और आपके प्लांट का बिल्डिंग का मॉल का पूरा ये कूलिंग सिस्टम मेंटेन करता है। अब आगे बढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन सर्कुलेटिंग सिस्टम, जो आगे डिस्कस किया था कि जो ये वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे चिलर काम करता है। तो ये जो वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रोसेस आता है, साइकिल आता है, वो कंप्रेशन साइकिल आता है, कंडेंसेशन आता है। तो कंप्रेशन में क्या होता है, वो कंप्रेसर में एग्जीक्यूट होता है। तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में रहता है और वहाँ से वो कंप्रेसर में उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो, और वहाँ से वो कंडेंसर में जाता है। और कंडेंसेशन जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द कंप्रेसर विल रिलीज हीट इन कंडेंसर वाया कूलिंग वाटर थ्रू द सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। और ये जो रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर के बॉटम से फ्लो होके थ्रोटलिंग डिवाइस में एंटर होता है, वहाँ उसका प्रेशर और डिक्रीज होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है और उसके बाद ये इवोपरेटर में एंटर होता है। अब इवोपरेटर में इवोपरेशन होता है,
जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो ई ऑपरेटर में एंटर होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। क्यों? बाय डिरीविंग एनर्जी फ्रॉम द कूलिंग कैरियर, यानी कि जो चिल्ड वाटर है उसकी हीट एक्सट्रैक्ट करके वो रेफ्रिजरेंट गर्म होता है और लिक्विड से वेपर फॉर्म गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यही है कि जो टेम्परेचर ऑफ द कैरियर यानी कि रेफ्रिजरेंट डिक्रीजेस एंड आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन इज रियलाइज्ड। द रेफ्रिजरेशन वेपर इन द इवेपोरेटर इज देन इनहेल्ड बाय द कंप्रेसर फॉर कंप्रेशन, यानी ये चिलर जब भी चालू चालू रहता है तब ये कंप्रेशन कंडेंसेशन रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर एंड इवेपोरेशन साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता है और ये क्लोज साइकिल रहता है। तो उससे आपके बिल्डिंग मॉल और इंडस्ट्री का जहाँ पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है वो मेंटेन होता है। तो यही आगे जो डिस्कस किया था, जो ऑयल सेपरेटर है ये आपका कंडेंसर हो गया, ये कंप्रेसर हो गया, ये इवेपोरेटर हो गया, यानी कंप्रेसर में जो ये इनलेट होता है वो गैस फॉर्म में रहता है, आउटलेट होता है वो भी गैस फॉर्म में रहता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो कंडेंसर में आता है, कंडेंसर में उसका हीट डिसिपेट होता है, वो कूलिंग वाटर में चला जाता है और वो कूलिंग टावर में ठंडा हो के कूल वाटर कंडेंसर में इनलेट होता है और वहाँ से जो ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड एक्सपांसन डिवाइस में आता है वहाँ पे वो कन्वर्ट होता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर सब कूल्ड लिक्विड में और वहाँ से वो इवेपोरेटर में आता है। वहाँ पे वो जो ये चिल्ड वाटर है जो आपका बिल्डिंग में एचयू सिस्टम रहता है उसमें वो सप्लाई होता है और वहाँ जो एयर को ठंडा करता है और वहाँ पे जो ये हीट ट्रांसफर होता है वो चिल वाटर जो हीट एक्सट्रैक्ट करके इवेपोरेटर में आता है। तो इवेपोरेटर में आपका जो रेफ्रिजरेंट मेन है वो रेफ्रिजरेंट हीट रिलीज हीट गेन करता है चिल वाटर का और चिल वाटर ठंडा होके एचयू रूम में जाता है। एचयू से जो वहाँ पे कोयल रहता है फिल्टर रहता है वहाँ से एयर सक्शन करता है एटमोसफियर से और वो डिलीवर करता है बिल्डिंग में जो वहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर कंट्रोल करना है वहाँ पे एयर सप्लाई करता है। तो ये जो चिल्ड वाटर है वो पूरा डिपेंड रहता है रेफ्रिजरेंट पे। रेफ्रिजरेंटर का अगर उसमें भी कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है तो आपका जो चिल्ड वाटर टेम्परेचर भी डिस्टर्ब हो जाता है और इवेपोरेटर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है, सर्कुलेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। आगे जो रेफ्रिजरेशन कूलिंग सिस्टम तो समझ लिया, अब ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम। तो जो आगे डिस्कस किया था कि जो रेफ्रिजरेशन ऑयल एंड रेफ्रिजरेंट मिक्स हो जाता है कंप्रेसर में जो माइनर लीकेज होने की वजह से, तो उससे कंप्रेसर को भी डैमेज होने का चांस है अगर ऑयल लेवल कम हो जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रिकॉशन दिया हुआ है, ऑयल रिक्लेम सिस्टम बाय ऑयल सेपरेटर और सेकंड हाई प्रेशर इंजेक्शन। तो जो ऑयल सेपरेटर में क्या रहता है, जो भी कंप्रेसर में से और कंडेंसर में के बीच में ऑयल सेपरेटर दिया गया रहता है, तो जो ऑयल डिस्चार्ज होता है विथ रेफ्रिजरेंट उसको वो होल्ड करके ऑयल सेपरेटर में ऑयल सेपरेट करता है और उसको वापस कंप्रेसर में भेज देता है। और जो हाई प्रेशर इंजेक्शन सिस्टम है उसमें जो स्मॉल अमाउंट में रेफ्रिजरेशन ऑयल कंडेंसर में जाता है और कंडेंसर से वो आगे इवेपोरेटर में जाता है। ये ऑयल एंड रेफ्रिजरेंट जो मिक्सचर है वो हाई प्रेशर लिक्विड की मदद से वो वापस इवेपोरेटर में रिटर्न होके कंप्रेसर में आ जाता है। तो ये ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम डिस्कस किया था, उसमें रेफ्रिजरेंट ऑयल और रेफ्रिजरेंट
को कैसे डिफरेंट किया जाता है और वो वापस कंप्रेसर में कैसे आ जाता है।